गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व के जरिए मनुष्य और प्रकृति के बीच का सीधा संबंध भी है। गोवर्धन पूजा के पहले पशुपालक अपने जानवरों को सजाते हैं, सवारते हैं। खास तौर पर गाय और भैंसों को सुंदर तरीके से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौ माता को माँ गंगा की तरह पवित्र माना गया है। उन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। दिवाली महापर्व के चौथे दिन होने वाली गोवर्धन पूजा का काफी महत्व माना जाता है। दिवाली के एक दिन बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी किया जाता है। इसके अलावा भगवान को 56 भोग लगाने की भी परंपरा है। गोवर्धन पूजा के लिए घरों में गाय के गोबर से प्रतीकात्मक गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजन की परंपरा है। गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत बनाने की मान्यता के साथ इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है। आखिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा क्यों की जाती है, इसे लेकर धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में गोवर्धन पूजा की भी वजह बताई गई है। इसके अनुसार ब्रज पर इंद्र देवता ने जब कुपित होकर घनघोर बारिश की थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने तूफान और बारिश से गांव वालों की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर 7 दिनों तक उठाकर रखा था। इस वजह से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में चारों धाम की यात्रा न कर सके तो उसे एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। यही वजह है कि गोवर्धन पर्व के मौके पर हजारों श्रद्धालु गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए भी पहुंचते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं। गोवर्धन पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा है। मान्यता के अनुसार स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान की लीला के आगे देवराज इंद्र भी नतमस्तक हुए। गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। इसी के चलते एक बार वो पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि सब लोग किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब माता यशोदा ने उनको बताया कि हम सब इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिसकी वजह से हमें अन्न और हमारी गायों के लिए घास चारा मिलता है। लेकिन ये सुनकर कृष्ण जी ने कहा कि मैया, गाय तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं, तो इसलिए हम सबके लिए वो पर्वत ही पूजनीय होना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की इस बात को मानते हुए सभी ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की जगह पर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना आरंभ कर दी, जिसको देखकर इंद्रदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने मूसलधार बारिश करने शुरू कर दी। वर्षा इतनी ज्यादा हुई जिसके बाद बाढ़ का रूप ले लिया और इसे देखकर ब्रजवासी बहुत डरने लगे। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों की सहायता से उस समय लोगों की सुरक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और इस तरह उन्होंने सप्तकोसी परिधि वाले विशाल काय गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, जिसके नीचे समस्त ब्रजवासियों ने अपनी गायों सहित उस पर्वत के नीचे शरण ली और आश्रय प्राप्त किया। कृष्ण जी की ये लीला देखकर इंद्रदेव और क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा का प्रकोप और गति बहुत ज्यादा कर दी। लेकिन भगवान श्री हरि भी कहा मानने वाले थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर छत्र बनाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप पर्वत के ऊपर एक मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकने का आदेश दिया। लेकिन इंद्रदेव रात दिन लगातार 7 दिनों तक मूसलधार वर्षा करते रहे और श्री कृष्ण ने लगातार पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। लगातार 7 दिनों तक मूसलधार बारिश करने के बाद इंद्रदेव को एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए वो तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है, वो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। यह सुन इंद्र को खुद लज्जा आई और इसके बाद उन्होंने तुरंत कृष्ण जी से क्षमा मांगी और देवराज इंद्र ने ही मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर उन्हें भोग लगाया। कहा जाता है कि तब से ही गोवर्धन पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। गोवर्धन पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर पूजन सामग्री के साथ में पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देव का
कुल देवी का ध्यान करिए और पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत तैयार करिए। मतलब गोबर से आपको गोवर्धन पर्वत बनाना है और इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। इसके बाद इन्हें फूल पत्तियों टहनियों एवं गाय की आकृतियों से या फिर अपनी सुविधा के अनुसार इसे किसी भी आकृति से सजा लीजिए। गोवर्धन पर्वत की आकृति तैयार कर उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। ध्यान रखिए कि गोवर्धन जी की आकृति के मध्य यानी कि नाभि वाले स्थान पर एक कटोरी जितना हिस्सा खाली छोड़ा जाता है और वहां एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध दही गंगा जल शहद और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा सुबह और शाम दो समय की जाती है। सुबह में जहां भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की धूप फल फूल खील खिलौने मिष्ठान आदि से पूजा अर्चना और कथा आरती करते हैं, तो वहीं शाम को इनको अन्नकूट का भोग लगाकर आरती की जाती है।